क्यूब में जो भी नंबर दिया होगा इसके अंदर की जो भी नंबर है इसको हम क्या करते हैं एड करते हैं। इस सम ऑफ डिजिट यानी जो भी डिजिट दिया है एड करेंगे यानी 1 प्लस 2 प्लस 5 ये कितना हो गया 52718 एड हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे 3 तो हो गया क्या 5 यानी 5 का क्यूब होता है 125 होता है ठीक। तो अब 3 इसमें क्वेश्चन बनता है कि 3 माइनस क्यों करेंगे, 3 माइनस क्यों करेंगे, क्यों नहीं 4 कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, 3 माइनस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमको क्यूब ही निकालना है ना, इसलिए ही इसमें 3 माइनस करेंगे। ये आसान सा ट्रिक है, डायरेक्ट क्यूब निकालने का सबसे सिंपल ट्रिक है ठीक है, इतना आप आसानी से निकाल सकते हैं। उस प्रकार में दूसरा लिया 216 का निकाला, इस ऊपर भी 2 प्लस 1 प्लस 6 यानी 2 प्लस 1 3 3 और 6 9 और माइनस 3 कर दीजिए हो जाएगा क्या 6 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। ये आसान सा क्या है ट्रिक है ठीक है। इसी प्रकार एक और हमने क्वेश्चन लिया है क्या 2744 का क्यूब निकाला, फिर ठीक उसी प्रकार इसमें वही करेंगे कि दिए हुए जो भी नंबर है उसके अंदर का डिजिट को ऐड करेंगे यानी 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 ऐड कीजिए 7 को 9 9 को 13 13 को 17 17 में से 3 को माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14 का क्या हो जाएगा क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 2444। इस तरह क्यूब का ट्रिक निकालने के लिए हमारे वीडियो को ना करें लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है। इसे लेटेस्ट ऐसे ट्रिक फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऐसे लेटेस्ट ट्रिक के लिए इस वीडियो को ना करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।